ये संकल्प यात्रा सीधी ले चलते हैं गोवा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए, आज विजय दिवस है और इस मौके पर आप देखिए किस तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे शहीद थे, उनको नमन किया जा रहा है। आज के दिन ही पुर्तगालियों से आजादी मिली थी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। देखिए वहां पर सीधी तस्वीरें आप गोवा से देख पा रहे हैं। आपके सामने से गुजर रही है हैरियर फॉर्मेशन, अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित LH Mark III। इस फॉर्मेशन का कमान संभाली है कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्री राम ने, और उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आयुष और लेफ्टिनेंट कमांडर अविकल। गोई चम जा गोई करनो, गोई चम जा गोई करनो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो शहीद थे, उनको नमन किया। और इस दौरान आप देखिए वायुसेना के जवान वहाँ पर अपनी सलामी देते हुए इन शहीदों को नमन करते हुए, क्योंकि गोवा के लिए दिन काफ़ी खास हो जाता है, एक बड़ा दिन है, क्योंकि 60 साल हो गए गोवा को आज़ाद हुए। एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। 1947 में तो पूरा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में था, पुर्तगालियों का शासन था वहाँ पे, और उनसे कई दौर की वार्ता हुई। जब वार्ता असफल हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीनों सेनाओं को छूट दी कि अब आप जाइए और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराइए। 36 घंटे के संघर्ष के बाद पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया, और इसी संघर्ष को याद करने का आज दिन है। आप देखिए किस तरीके से सेना की विजय गाथा, और उसके मौके पर अपने वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, और आप देखिए वहां पे किस तरीके से जो सेना, वायुसेना के जवान हैं, वो सलामी दे रहे हैं, और वायुसेना के जो विमान हैं वो अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं। इस मौके पर ये परेड का आयोजन किया गया। गोवा की सीधी तस्वीरें आप देखिए, गोवा के लिए खास दिन है, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराए 60 साल हो गए, और हर 19 दिसंबर को विजय पर्व के रूप में, विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहुंचे हैं। आप देखिए वहां के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और तिरंगा लहरा रहा है, आसमान में तिरंगा लहरा रहा है। और ये है आज तमाम जो सेना के फाइटर प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आप देखिए उनकी प्रदर्शनी। आज गोवा के लिए बहुत बड़ा दिन है, और किस तरीके से अपने शहीदों को नमन किया जा रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। करने वाला यह विमान 1977 से नौसेना के उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर CM फुलसे और लेफ्टिनेंट कमांडर M बाला सुब्रमण्यम। लेडीज एंड जेंटलमैन, द IL-38 सी ड्रैगन, द इल्यूजन I-38 डॉल्फिन इज अ मैरिटाइम कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। और अब दर्शकों, अपने जेट की आवाज से गूंजा करते और इस वायुमंडल को हिला देने के लिए आ रहे हैं भारतीय नौसेना के पहले सुपरसोनिक कैरियर वन बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान द MiG-29Ks। दे कॉल देमसेल्व्स द ब्लैक पैंथर्स। आज इस फ्लाईपास्ट में भाग ले रहे ब्लैक पैंथर्स ने भारतीय नौसेना में टेल हुकिंग की कला को पुनर्जीवित किया है। आपके बाईं ओर से द पैंथर फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सौरभ कोठियाल, जिनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित बोरा और लेफ्टिनेंट कमांडर शरद शंकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पैंथर्स। दर्शकों, जैसे ही मिग की गड़गड़ाहट फीकी पड़ती है, कृपया अपनी निगाहें सामने पानी की ओर रखें। अद्भुत हवाई प्रदर्शन के बाद अब बारी है नौका प्रदर्शन की।
Ladies and gentlemen, it's time now to see the mobile column, which has 11 West. नौका प्रदर्शन, नौसेना अपना प्रदर्शन कर रही इस कार्यक्रम में, जो कि तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। उसके बाद देखिए वायुसेना के हवाई प्रदर्शन के बाद अब नौसेना का ये प्रदर्शन। ये वो शिप हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनका प्रदर्शन। सीधी तस्वीरें आप गोवा से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इसमें अभी आपने वायुसेना का शौर्य देखा और अब नेवी का शौर्य आप देखिए। गुजरेंगी मंच की ओर बढ़ रही है कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट चार्ली 148। इस जहाज का निर्माण गुजरात में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा किया गया है। जहाज को 1 अक्टूबर 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इस जहाज की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार आथ्या ने। जहाज की लंबाई 28.4 मीटर और अधिकतम गति 45 नॉट्स है। चार्ली 148 अब मंच के सामने से गुजरती हुई। तटरक्षक सेना बल के बाद अब बारी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित थल सेना नाव की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारतीय सेना के लिए 12 हाई स्पीड पेरोल नाव का कण है। दिस इज अ 13.5 मीटर बोट फॉर द आर्मी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। दिस बोट्स ऑफ जीआरपी एफआरपी कंस्ट्रक्शन कैन अकोमोडेट अराउंड 12 सोल्जर्स अलोंग विद एम्पल आर्म्स एंड एम्युनिशन। They have better capabilities and are suitable for high-speed operations, even in high-altitude regions. And they achieve a phenomenal 35 knot speed with their twin water jet propulsion. Next, we have the Special Operations Rigid Inflatable Boat. Rigid inflatable boat, or called SOR, is used in the Indian Navy by the Marine Commandos in their raiding missions. The boat is of fiberglass and achieves a top speed of 22 knots. तो गोवा विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आप देखिए यहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया। इसके बाद आप देखिए तस्वीरें इंडियन नेवी का शौर्य प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके पहले आपने इंडियन कोस्ट गार्ड को देखा, इसके बाद गोवा शिपयार्ड को देखा और इस तरीके से वो तमाम जो इंडियन नेवी के जो शिपयार्ड हैं उनको आप देखिए, उनका प्रदर्शन चल रहा है। उसके पहले भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। ये तस्वीरें खास हो जाती हैं और तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया था, पुर्तगाल को मुक्त कराया था। और उसी कड़ी में आप ये झांकी देखिए, यहाँ पर पहले वायुसेना की और आप देखिए नौसेना की झांकी। अलग अलग जो नौसेना के शिप हैं उनकी झांकी, उनकी प्रदर्शनी, उनका शौर्य आप यहां पर देख सकते हैं। गोवा के बीच से तीन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं आज़ाद मैदान में, जो शहीद हैं उनको उन्होंने नमन किया। उसके बाद आप देखिए पहले वायुसेना के, जो वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और अब नौसेना का शौर्य प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले देख रहे हैं। ये है हमारे सेना का शौर्य। और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1961 में जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें तीनों सेनाओं ने कंबाइंड रूप से ऑपरेशन किया था और पुर्तगालियों को वहां से भगाया था, गोवा को मुक्त कराया था। और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। शिप बिल्डिंग एंड फ्यूल एफिशिएंट शैलो ड्राफ्ट एंड हाईली स्टेबल बोट्स। रिपल्स के बाद अब आ रही है एमवी एडिक्सन। एडिक्सन सुंदर रेखाओं वाला 28 फुट का धावक है। इस जहाज में एक एसी केबिन और आरामदायक स्लीपर बर्थ भी मौजूद है।
गोवा के मैंग्रोव और रिवर रीन डेल्टा के बीच चलने वाले क्रूज में यह जहाज लग्जरी वर्ग में चलने वाली सबसे श्रेष्ठ क्रूज है। Motor yacht added as a 28 footer, a slick runner with beautiful lines. It comes with an AC cabin and a sleeper berth with all comforts. It epitomizes the luxury class of cruises among the Goan waters. With so many mangroves, deltas to explore, every edit is the last word in enjoyment of a laid-back and wondrous cruise. MV Edit ke baad ab bari hai dusri luxury motor yacht. Is jahaz ka nirman Goa mein kiya gaya hai. MV Serenity. मांडवी नदी में पर्यटकों के परिभ्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, keep your eyes on motor yacht Serenity. This yacht is built. तो गोवा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए पहले वायुसेना ने एक प्रदर्शन किया, इसके बाद नेवी, और अब जो आप देख रहे हैं वो गोवा शिपयार्ड के तमाम जो वो क्रूज है, जो शिप है, जो गोवा आने वाले पर्यटक टूरिस्ट के लिए लोग उसमें अपना वीकेंड अपना एंजॉय करते हैं, उसकी भी प्रदर्शनी की जा रही है। इसके पहले आपने देखा कि जो नेवी का कोस्ट गार्ड था वो शिप आपने उसको देखा, इसके बाद जो गोवा के तमाम जो क्रूज हैं, जो शिपयार्ड हैं, उनके क्रूज को आप देखिए। ये गोवा की खासियत है, बदलती गोवा की एक तस्वीर है, और 60 साल में गोवा कितना बदला उसकी एक वानगी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्यक्रम में खुद पहुंचे हुए हैं, और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी बदौलत, इनकी कुर्बानियों की बदौलत गोवा को आज़ादी मिली। पहले उनको नमन, इसके बाद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गोवा की सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर इंडियन नेवी और गोवा शिपयार्ड की जो क्रूज हैं उनकी झांकी एक तरीके से निकाली जा रही है। उस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और गोवा के तमाम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि गोवा के लिए आज का दिन काफ़ी विशेष हो जाता है, और विजय दिवस के रूप में हर साल गोवा में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और इसलिए कार्यक्रम और भी खास हो जाता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा वायुसेना की तरफ से शौर्य का प्रदर्शन किया गया, इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसके बाद गोवा शिपयार्ड की तरफ से जो तमाम जो क्रूज हैं उनकी झांकी आप देख पा रहे हैं इस बीच पे निकलते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वो खुद इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए, गोवा इसीलिए जाना जाता है, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं गोवा में घूमने के लिए, और गोवा कितना बदला, किस तरीके से अपने टूरिस्टों के लिए यहाँ सुविधाएं हैं, वो सारी झांकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, गोवा आने वाले टूरिस्टों के लिए क्या खास है उनकी भी झलक आप यहां पे देख पा रहे हैं। गोवा शिपयार्ड की तरफ से क्या अपने टूरिस्टों के लिए व्यवस्था है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके पहले ये देखिए, गोवा शिपयार्ड, गोवा टूरिज्म की तरफ से ये झांकी आप देखिए, क्योंकि समुद्रों का ये समुद्र का शहर है और बीचेस का ये शहर है, और ऐसे में तमाम देश विदेश से लोग पहुंचते हैं गोवा में घूमने के लिए, और ये तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, थोड़ी देर बाद एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे, और करीब 600 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण होगा, सौगात मिलेगी, जिसमें उस वक्त की वो जेल जिसमें तब के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बंद किया जाता था, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, आज उसका भी लोकार्पण होगा, और कई बड़ी योजनाओं की सौगात आज गोवा को मिलने वाली है। और
अर्चना सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। अर्चना, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, पहले हमने देखा वायुसेना के जो विमान थे उन्हें अपना शौर्य दिखाया, अभी हम देख रहे हैं कि जो कोस्ट गार्ड, इसके बाद जो गोवा शिपयार्ड के तमाम जो क्रूज हैं उनकी प्रदर्शनी चल रही है, क्या कार्यक्रम, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? अंजनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आजाद मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जो गोवा के आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको श्रद्धांजलि दी, वहां से वो मीरामार इस वक्त पहुंचे, इस वक्त वो मीरामार में ही हैं, जहां पर उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले फ्लाईपास्ट का अवलोकन किया और अब वो सेल परेड देख रहे हैं, इसके बाद वो यहां पर आएंगे। हालांकि वो कार्यक्रम अभी कुछ देर चलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां पर आएंगे, जहां आप देखिए लोगों का आने का सिलसिला शुरू है, भारी भीड़ है अंदर, लोग पहुंच चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर पहुंच के वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने योगदान दिया है गोवा लिबरेशन डे में, उनको याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप आज की बात करें, जब आप कोई सेलिब्रेशन करें तो याद करें कि उस दिन को आप क्यों मना पा रहे हैं, उस दिन को मनाने के पीछे किन्होंने योगदान दिया है, क्योंकि हमें कहते हैं अपने इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा लिबरेशन डे के मौके पर यहाँ पर पहुँचना बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ के लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। पीएम हमेशा कहते रहे कि दो सरकारें हैं, केंद्र में, राज्य में, और इस वजह से गोवा का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा से जुड़ाव बहुत पुराना रहा है, 2013 में यहीं पर घोषणा हुई थी कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, यानी पुराना लगाव, पुराना जुड़ाव प्रधानमंत्री का है। लेकिन अब जब वो आ रहे हैं गोवा लिबरेशन डे के मौके पर, तो ये मौका सिर्फ उन सेनानियों को याद करने का नहीं, उनको सम्मानित करने का नहीं, बल्कि ये मौका हमें भूलना नहीं होगा, 2022 में शुरुआत में ही चुनाव होने वाला है गोवा में, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अर्चना जी, और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चुका है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक पल पल की अपडेट अर्चना जी हम तक पहुँचा रही हैं, आप तक पहुँचा रही हैं, और हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहां पे।